जो मुझे यकीन सा है कि आज भी अभी आपको मौका मिले, वो है शब जुमा जियारत वारिसा। जब इमाम मजलूम की आप पढ़ते, वो बेहतरीन मौका होता है अपनी दुआ कबूल करवाने। दुआए वारिसा, जियारत वारिसा, हमने उस तरह से समझा ही नहीं जो जियारत वारिसा का हक बनता। नॉर्मली हमारे यहां लोग जियारत वारिसा क्यों पढ़ते हैं? मैं आम बात कह रहा हूं, किसी पर्सन के बारे में कोई फैसला नहीं दे रहा। इसलिए पढ़ते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला, शब जुमा अपने घरों में जियारत वारिसा देखी और शब जुमा मस्जिदों और इमामबाड़ों में जियारत वारिसा देखी। वो देखते आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि शब जुमा का कोई अमल होगा, लेकिन इसकी हिकमत, इसकी फिलॉसफी, इसका मकसद, इसकी मसलहत क्या, वो बहुत कम लोगों को मालूम। और इसी का नतीजा ये दो छोटी बातें। नंबर एक, जियारत वारिसा में जब आका हुसैन को सलाम करते करते अल हादी और मेहदी का लफ्ज आता है, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि यह जमाने के इमाम का तस्किरा हो रहा। इसीलिए कि जियारत के वारिसा को ना समझा गया, ना पढ़ा गया, ना उसका मकसद बयान किया गया, बल्कि बहुत से लोग जियारत के वारिसा में जहां लफ्ज मेहदी आए तो अपना सर भी ये समझ के झुका देते हैं कि ये इमाम जमाना कब जिक्र है, तो हम अपना सर झुका रहे हैं। आका हुसैन के नाम पे सर झुकाने में भी कोई हरज नहीं। मेहदी का टाइटल हर इमाम का टाइटल, ये वो हदीस नहीं है जो पैगंबर छठे इमाम की। खबरदार, अमीर उल मोमिनीन किसी को न कहना सिवाय हमारे जज। मौला आप भी तो अमीर उल मोमिनीन है, यानी पूरे 12 इमाम काफिर है, लेकिन ये टाइटल फकत अल्लाह मेरे हमारे जज को दिया है। सिर्फ उनके लिए लफ्ज अमीर उल मोमिनीन इस्तेमाल करना, इसके अलावा किसी के लिए। तो अब यह लकब हर इमाम का बन सकता है, लेकिन मखसूस कर दिया गया मौला के। इसी अंदाज लफ्ज मेहदी नहीं, ये मखसूस है सिर्फ जमाने के इमाम के लिए, या सर झुकाना। लेकिन वारिसा में लोग ये समझ के सर नहीं झुका रहे कि आका हुसैन के नाम पे हम सर झुका रहे, या अल मेहदी से मतलब आका हुसैन, वो समझते हैं कि मकसद इमाम जमाना। और फिर ये भी नहीं सोचते कि जियारत में इमाम जमाना का नाम क्यों आया, क्या जरूरत थी आने, वो इमाम का नाम नहीं। मगर मैं इस वक्त जियारत वारिसा की तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इतना अहम अमल और कैसा उसे इग्नोर किया गया कि किसी को न तर्जमा पढ़ने का मौका है, ना उसकी मसलहत समझने का मौका है, ना जियारत वारिसा के मैसेजेस के अंदर जाने का मौका। क्योंकि जब से होश संभाला हर मस्जिद में शब जुमा जियारत वारिसा, क्योंकि जब से होश संभाला घरों के अंदर हर शब जुमा खवातीन में जियारत वारिसा पढ़ रहे। तो खैर ये मौजूद नहीं, बताइए रहा था जिसकी वजह एक ये इग्नोरेंस आ गई। ये तो खैर कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं है, चले आपने सोच ली कि जियारत वारिसा में ये इमाम जमाना का नाम भी है तो कोई हरज नहीं। लेकिन वैसे मालूमात के लिए ये है कि इस वक्त आका हुसैन के लिए लफ्ज मेहदी इस्तेमाल हुआ। मगर दूसरी बात कि जियारत वारिसा जो उसकी मसलहत और हिकमत आई है उसके एतबार से ये बेहतरीन मौका है कबूलियत दुआ। वो तो कहिए कि कुछ मजलिसें मुझे 90s में ऐसी पढ़ना पड़ी जब मैं खुद पाकिस्तान में था और पाकिस्तान लोगों की जान खतरे में थी। लोग मैंने गलत कहा साहिबाने ईमान, उनके बिजनेस और माल खतरे में थे, उनकी औलादें खतरे में थी, तो मुझे खास तौर पर जियारत वारिसा में मुसलसल मजलिसें पढ़ना पड़ी कि यह बेहतरीन अमल करार दिया गया है जान की हिफाजत के लिए, यह बेहतरीन अमल करार दिया गया है माल और कारोबार की हिफाजत के लिए, ये बेहतरीन अमल करार दिया गया है औलाद की हिफाजत के लिए जियारत वारिसा। लेकिन ये तो बहुत उस वक्त मोमिनी ने कराम का अपना प्रॉब्लम था, इसलिए इतनी बात आ गई। फिर भी जियारत वारिसा का पता ना हुआ, वो हक सिर्फ इससे आप अंदाजा करो कि बहुत सारे मुश्तहदी ये फतवे पे आपको अमल नहीं करना है जब तक ये कंफर्म ना हो कि आपके मर्जे कभी ये फतवा, लेकिन बहुत सारे मुश्तहदी ये फतवा दिया हुआ कि जियारत वारिसा अगर आप अपने घर में भी पढ़ेंगे उसका उसूल करेंगे तो इस उसूल का वही स्टेटस है जो करबला वाले उसूल का स्टेटस। करबला में अगर आप आका के हरम में जा रहे हैं और गुसल करके जाएंगे तो उसके बाद आपको वुजू की जरूरत नहीं। अगर आप अपने घर में आज जियारत वारिसा पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी गुसल करें और उस गुसल के लिए कभी वही स्टेटस है कि वुजू की जरूरत नहीं और आप नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी 13 मासूमी रसूल खुदा की मौला अली की 13 में शामिल, शहजादी फातिमा की स्टेर, बाकी 13 मासूमीन के लिए गुस्ल सिर्फ उनके हरम में जाने के लिए मुस्तहब। अपने घर में अगर आप उनकी जियारत पढ़ना चाहें तो गुस्ल मुस्तहब नहीं। मैं इस वक्त इस डिटेल में जाना भी नहीं चाह रहा था, वक्त भी नहीं था, लेकिन बात मुकम्मल करने के लिए
तो ज़ियारत वारिसा अपने घर में भी पढ़ी जाएगी। इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा उलझ गया मैं, कहना क्या चाह रहा हूं कि ज़ियारत वारिसा जब आप अपने घर में भी पढ़ते हैं तो उसका वही स्टेटस है जैसे कर्बला में आका हुसैन के रोजे के सामने खड़े होकर ज़ियारत पढ़ रहे हैं। अगर आप रसूल खुदा की ज़ियारत अपने घर में पढ़ेंगे उसका वो स्टेटस नहीं है जो मदीने के अंदर। अगर आप शहजादी फातिमा की ज़ियारत पढ़ेंगे उसकी वो उसका वो सवाब नहीं जो जन्नतुल बकी में ज़ियारत पढ़ने का सवाब। अगर आप मौला अली की ज़ियारत पढ़ेंगे तो वो मंजिल नहीं है जैसे आप नजफ में मौला की ज़री के सामने, सिर्फ ज़ियारत के भाई साहब का स्टेटस। तो इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक फिकही मसले की मदद से मैंने बात समझाने की नाकाम कोशिश की। आइए अब पैगाम दे कि अगर कर्बला में आप जाए और कितने सारे लोग गए और हर साल जा रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, जब कर्बला में ज़री के सामने जाके ज़ियारत पढ़ते हैं तो इसी तरह आते ये फौरन अपनी हाजत में पेश करना शुरू कर देते हैं। ज़ियारत वारिसा अगर आप जाफरिया के इस हॉल में भी पढ़ रहे हैं और अगर आप अपने घर के अंदर भी पढ़ रहे हैं तो ये समझ के पढ़िए कि कर्बला में आका हुसैन की ज़री के सामने खड़े हैं, अभी आपने सलाम किया ज़ियारत में सलाम और अब अपनी हाजत पेश करें। हर ज़ियारत वारिसा के बाद जो हाजत तलब की जाती है वो फौरन कबूल जुमला में मजलिसों में मजाक के तौर पर कहता हूं, वो इफ्तार की खजूर और ज़ियारत वारिसा इन दो के लिए तो बिल्कुल सही तोड़ा। अक्सर मैं मजलिस में कहता हूं कि लोग हमारे पास आते हैं और हम तो है क्या एक तालिबे, लेकिन बहरहाल एक हमारा सर्किट है उलमा का, खुतबा का, ज़ाकिरीन का, सबसे सुनने को मिलता कि जहां मजलिस पढ़ने जाओ खवातीन और हजरात दोनों औरतें ज्यादा मर्द जरा कम, लेकिन बहरहाल वो अपने मसले लेके आते हैं। दुनिया के किसी इलाके में पहुंची हर जगह लोगों के प्रॉब्लम्स, किसी को ये मसला है कोई दुआ बताई, मौलाना कोई हाजत पूरी होने का अमल बताई, मौलाना कोई आयत करीमा बताई, मौलाना कोई वजीफा बताई, ये हर एक के साथ हर मजलिस पढ़ने के वाले के साथ हर रेसिडेंट साहिब के साथ ही गुजरता। और दुआ भी जब लोग मांगते, मांगने से मतलब जब हम लोगों से आके मांगते अल्लाह से, जब दुआ मांगते कि मौलाना कोई दुआ बताई, तो उसके अंदर इतनी जल्दी होती ऐसी दुआ बताइए कि आज हम ये दुआ जबान पे लाए कल सुबह हमारा मसला हल हो, बिल्कुल जादू मंत्र की तरह की दुआ। जिस पर मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि लोग दुआ इस तरह मांगते हैं जैसे इतने जल्दी असर हो कि जितने जल्दी असर तो खाली पिस्तौल की गोली करती है, वो भी अगर सही निशाने पे लगाई है, अनारे निशाना बाद में इधर उधर मार दिया तो मरेगा भी नहीं, सामने वाला तकलीफ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से दुआ नहीं होती, आपने पोटेशियम साइनाइड का जहर खाया और एक सेकंड के अंदर मर गए, या गोली सी भी आपके दिल और दिमाग में लगी और आप मर गए, दुआ नहीं ले। ये दो दुआएं ऐसी जिनके बारे में मैं इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि शायद जो पब्लिक की डिमांड है वो दो मौकों में इसी तरह पूरी, ज़ियारत वारिसा के बाद सोच समझ के दुआ करें, रूटीन वाली दुआ नहीं जिसमें आमीन आमीन कहते हैं, आपको यह भी नहीं पता कि कहने वाले ने अभी कहा क्या जिसमें मैं आमीन कह रहा हूं, वो अली वाकई दिल की गहराई के साथ हर ज़ियारत के वारिसा के बाद एक दुआ। आज भी इंशाअल्लाह ज़ियारत के वारिसा हो जिसकी वजह से मैं अपना बयान मुख्तसर किए दे रहा हूं, और इफ्तार इस मौके की दुआ इतने ही जल्दी कबूल हुआ करती है। वो दस तो मैं नहीं कहूंगा जो मफातिहुल जिनान एक दुआ के आगे लिखा हुआ, अगर कि वो साबित नहीं है लेकिन लिखा हुआ, रावी ने कहा यह दुआ पढ़ो और अगर फौरन पूरी ना हो तो मेरे ऊपर लानत करो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरे ऊपर लानत करें, बहुत सारे लोग इसके बगैर ही लानत करते हैं सुबह शाम, लेकिन ये दो दुआ माह मुबारक के रमजान का हर इफ्तार और हर शब जुमा जब ज़ियारत वारिसा पढ़े, और इसी के अंदर मैंने ज़िमनन ये बता दी कि आका हुसैन की ज़ियारत जब पढ़ी जाए तो यही समझ के पढ़ी जाएगी जैसे आका आपके सामने बैठे, ये ज़री है आप ज़री के सामने खड़े, आका तो आप देख रहे हैं, आका आपको देख रहे। शबे जुमा का दूसरा पैगाम दुआ, और जब एवरी शबे जुमा ज़ियारत वारिसा पढ़ते ही आए तो उसी के साथ दुआ मिलाइए और देखिए, और तीसरी की